नमस्कार, एनएसटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इमरान। बिहार में ऐसा लग रहा है मानो जंगल राज रिटर्न शुरू हो गया है। आए दिन एक न एक घट रही घटनाओं ने राज्य की सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। तीन दिनों से लापता एक 9 वर्षीय बच्ची का शव संदिग्ध हालत में हरिपुर गांव के एक गड्ढे से बरामद हुआ है, जिसके बाद पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। लाश को देखकर ऐसा लग रहा है कि हत्यारे ने बच्ची को मारने से पहले उसके साथ काफी जुल्म किए। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। यह घटना है घुड़ना थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव का, जहां आज मातम पसरा हुआ है। परिवार की लाडली बेटी रीतिका की आंख निकाल निशंस हत्या के बाद जहां परिवार में मातम पसरा हुआ है, वही गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। बीते रविवार से ही लापता बच्ची का शव उसके घर के बगल में गड्ढे से 8 जनवरी को बरामद किया गया। घटना की सूचना पाकर जब पुलिस पहुंची तो शव को उठाने नहीं दिया गया और ग्रामीणों ने पुलिस के प्रति आक्रोश जताया। हालांकि देर रात तक परिजनों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय अररिया लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। विशेष इस घटना में जांच की प्रक्रिया चल रही है और विधिवत जितना भी फॉरेंसिक जांच है, पोस्टमार्टम के बाद सारे सैंपल को, एग्जिबिट्स को, फादर्स को अपने कस्टडी में ले लिया जा चुका है और SHO साहब को निर्देश दे दिया जाएगा, उसको विधिवत जो है सील कंडीशन में भेजा जाएगा FSO, कोर्ट से उसकी जांच ली जाएगी और कोर्ट से इसका परमिशन विधिवत ले लेंगे। जो भी चीज़ें हैं वो खुल के सामने आएंगी और प्रशासन अपना कार्रवाई उसमें करेंगे। अपराधियों ने सबूत छुपाने के लिए बच्ची की आंखें निकाल ली और शव को उसके घर के ही पास गड्ढे में फेंक दिया। फारबिसगंज SDPO मनोज कुमार ने कहा कि हत्यारों को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। वहीं ग्रामीण और परिजनों में घटना के बाद मातम छाया हुआ है। सभी डरे हुए हैं और दबी आवाज में पुलिस प्रशासन के कार्य पर उंगली उठा रहे हैं। बीते साल जहां पूरे सूबे में हत्या और जघन्य अपराधों की दास्तान दर्ज हुई थी, अररिया में इस घटना के बाद जहां एक तरफ मानवता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, वहीं पुलिस या सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि जब मृतक बच्ची के परिजन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे तो स्थानीय पुलिस ने क्यों ढिलाई बरती? आखिरकार क्यों नहीं बच्ची को समय रहते खोज लिया गया? अब रीतिका तो अपने माँ बाप परिवार को छोड़ दुनिया से चली गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रीतिका की मौत का खुलासा पुलिस कर पाएगी या फिर एक अनसुलझे पहलू की तरह किसी फाइल में दम तोड़ देंगे। हाँ, इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं। इसमें डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है, फोरेंसिक की भी टीम आई हुई है। सभी लोग सभी बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं और जांच करके इस पर अविलंब कार्रवाई की जाएगी। किस तरह का मामला है सर ये? इस पर अभी तो प्रथम दृष्टया गले में उसके चिन्ह है, उसको देख करके लग रहा है कि हत्या का मामला है, और बाकी सारे बिंदुओं को और जितने भी बिंदु आए हैं सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम आई है, फोरेंसिक की भी टीम आई है और सभी बिंदुओं को जांच कर किया जा रहा है। जांच करके उस पर विधि सम्मत सही चीज़ कार्रवाई की जाएगी। बताया सर, आँख निकालने की मतलब? हाँ सर, उस बिंदु पर भी जांच की जा रही है और उसके बिंदु को भी FSL की भी टीम और डॉक्टर की टीम को भी बताया गया है, वो लोग देख रहे हैं उसको। चल पाया 6 तारीख को हमारी भतीजी घर से लापता हुई है 11-12 बजे के आसपास। उसके उस समय वो घर से निकली, उसके बाद कोई अता पता ही नहीं चला। हम लोग बाद में जब थोड़ी देर बाद खाना के लिए उसको ढूंढने लगे तो वो नहीं मिली। फिर हम लोग उसको पूरी खोजबीन करने लगे उसको आसपास, कहीं जब नहीं मिली प्रथम दृष्टि हम लोग को लगा कहीं कोई चली गई होगी। फिर पूरी हम लोगों ने पूरी खोजबीन की, 6-7 रेगुलर हम लोगों ने पूरी रात जग के ढूंढा, कहीं नहीं मिली। और 8 तारीख को उसकी डेड बॉडी हमारे घर के ठीक सामने रोड से सटे मिली। प्रशासन अनुसंधान का नहीं, हाँ, और आँख भी निकाला गया है उनका, एक ऑर्गन चाहे कांक निकाल लिया गया, गला और गले में पूरा निशान है, दाग है। बच्ची पढ़ती थी क्या, कौन सी क्लास में, क्या नाम था? 5वीं रीतिका, 5वीं में पढ़ती थी, रीतिका कुमारी नाम था। आपका क्या नाम है? मुकुंद कुमार। अगर आप अपने घर, आंगन, किचन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपने सपनों का घर, तो एक बार जरूर आएं। आगे शहर में पहली बार हैजा सीमेंट आर्टिकल लेकर आया है इंटरलॉगिंग टाइल, प्रीकास्ट बाउंड्री बॉर्ड और चेकाल टाइल। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन जिससे तैयार कर रही है विभिन्न प्रकार की टाइल। हमारा पता है हैजा सीमेंट आर्टिकल, टोल टैक्स से 4 किलोमीटर की दूरी पर, फॉरबिसगंज रोड, डोरिया, सोनापुर, अररिया। आ गया है महालक्ष्मी ज्वेलर्स, जिसका पता है 8B चौक, अररिया। हर शहर अररिया में या दोस्तों, अररिया जिला का पहला हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जिसका नाम है महालक्ष्मी ज्वेलर्स। प्रिय ग्राहक, आपका प्यार और आशीर्वाद से महालक्ष्मी ज्वेलर्स निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको दूसरे शहरों में जाकर जेवर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सोच है कि हम अपने शहर को बनाएं बेहतर।
इसलिए हम लाए हैं भारत की सर्वोत्तम ब्रांड वर्ल्ड क्लास डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स। अपने मनपसंद डिजाइन एवं ऑनलाइन प्राइस देखें और प्राप्त करें हमारे शोरूम से ऑनलाइन प्राइस पर, क्योंकि हम लाए हैं ब्लू स्टोन डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स। एक नया लुक, हमारा पता है मनसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स, रामपुर कोदरकट्टी अररिया 0 माइल से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर NH-57 से पूर्व। एक बार जरूर आएं, हम देते हैं आपको आपके सपनों का घर।